बाहुबली विधायक अनंत सिंह AK-47 मामले में फरार हो गए। दरअसल शनिवार देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पटना पुलिस उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी, लेकिन वो चकमा देकर वहां से निकल भागे। बताया जा रहा है कि जब अनंत सिंह को पुलिस के आने की भनक लगी तो वो आवास के पिछले दरवाजे से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास से छोटन को गिरफ्तार कर लिया है। छोटन विधायक अनंत सिंह का करीबी है और वो भी फरार चल रहा था। छोटन सिंह पर 22 हत्या के मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने रात के करीब 12:30 बजे अनंत के सरकारी आवास में दबिश दी थी। टीम में STF, SP, CTSP समेत कई थानों की पुलिस शामिल थी। दबिश के दौरान अनंत सिंह के कई समर्थक भी उनके सरकारी आवास पर मौजूद थे। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक विधायक के सरकारी आवास को खंगाला और चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इस दौरान विधायक के आवास छोड़कर फरार होने की भी सूचना आई, जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने भी की। पुलिस को विधायक आवास से एक तलवार और सरकारी फोन मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। सुबह के करीब 4 बजे पुलिस की टीम विधायक आवास से बाहर निकली। इस दौरान ग्रामीण SP कांतेश मिश्रा ने बताया कि फरार अनंत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि सरकार द्वारा जो 3 सुरक्षाकर्मी उन्हें दिए गए हैं, क्या वे भी उनके साथ फरार चल रहे हैं। बिहार में अमूमन यही होता है कि जब कोई विधायक फरार होता है तो उसके साथ बॉडीगार्ड भी कानून को ठेंगा दिखाकर 9-2-11 हो जाता है। हालांकि पटना पुलिस की छापेमारी से 2 बातें साफ हैं। पहली, पुलिस भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। दूसरी बात, तमाम गंभीरता और इस मामले में सिक्रेसी बरतने के बावजूद पुलिस में अनंत सिंह के सूत्र अभी भी काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। खैर, अब अनंत सिंह के खिलाफ फरार अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में पटना के सचिवालय थाना में भी एक अलग से केस दर्ज करने की तैयारी में पटना पुलिस जुट गई है। ये केस छोटन सिंह के गिरफ्तारी से जुड़ा है। साथ ही पुलिस अधिकारी अब अनंत सिंह के फरार होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का दावा करते नजर आ रहे हैं। कल तक गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खुली चुनौती देने वाले अनंत सिंह का फरार हो जाना पटना पुलिस के लिए भी अबूझ पहेली बनकर रह गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।